हेलो फ्रेंड्स, क्रैक गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी नंबर सीरीज और उसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि भारतीय रेल यानी रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लुक एट दिस सीरीज 2, 1, 1/2, 1/4, वट नंबर शुड कम नेक्स्ट। फ्रेंड, इन क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं होता है, बस इतना सा करना होता है कि जो नंबर्स हमें दे रखे होते हैं उनके आधार पर यानी कि उनमें छुपे पैटर्न्स के आधार पर हमें अगला नंबर बताना होता है यानी कि नेक्स्ट नंबर बताना होता है। तो बस हमें ये देखना है कि 2, 1, 1/2, 1/4 में ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है जो अगला आने वाला नंबर इन ऑप्शंस में से कोई एक होगा। तो हमें बस इन सारे गिवन नंबर्स में पैटर्न ढूंढना है, उन पैटर्न्स के आधार पर ही हमारा नेक्स्ट नंबर आंसर होगा। तो ये देखते हैं पैटर्न क्या छुपा है। तो अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो यहाँ पर आया है 2 और उसका अगला नंबर है 1 और अगला नंबर है 1/2, अगला नंबर है 1/2। तो इन क्वेश्चंस को सबसे आसान तरीका ये करने का होता है कि जो नेक्स्ट सीरीज हमारी चलती चली आ रही है, हमें बस ये देखना है कि वो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, नंबर्स या कम हो रहे हैं या नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर फ्रेंड्स कम हो रहे होंगे नंबर आगे आने वाले, तो जाहिर सी बात है कि या तो वो डिवीज़न या फिर वो माइनस के साथ हो रहे होंगे, और अगर बढ़ रहे होंगे नंबर तो या तो वो मल्टीप्लिकेशन और प्लस साइन के साथ होंगे। तो यहाँ पर नंबर कम होता जा रहा है, जाहिर सी बात है निगेटिव या तो माइनस होगा या डिवीज़न होगा। तो लेकिन नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंतराल से कम हो रहा है, तो हम डिवीज़न देखते हैं और हमें पैटर्न देख कर ही पता चल रहा है कि 2 से 1 हुआ और 1 से 1/2 हुआ, यानी कि पहले नंबर का आधा हुआ और फिर उस अगले नंबर का भी आधा हुआ, फिर उस नंबर का भी आधा अगला नंबर हुआ, यानी कि 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2 और 1/2 का आधा 1/4। तो नेक्स्ट 1/4 का आधा ही हमारा नेक्स्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, हमारा आंसर होगा 1/8 यानी बी। तो ये बस सिंपल डिवीज़न सीरीज थी। यहाँ पर पहला नंबर जो था वो अगले वाले नंबर का डबल था, यानी कि जो अगला नंबर था वो पिछले वाले नंबर का हाफ था, यानी कि पहला नंबर 4, फिर 4/2 यानी कि 2, 2/2 यानी 1, 1/2 यानी कि 1/2 और 1/2/2 यानी 1/4 और 1/4/2 यानी 1/8। इसी तरीके से हमें आंसर निकालना है, हमें क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न क्या है और उन पैटर्न के आधार पर ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12, वट नंबर शुड कम नेक्स्ट, यानी कि अब अगला नंबर क्या आएगा इन दिए गए नंबर्स के आधार पर। तो चलिए पैटर्न्स ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो नंबर बढ़ तो रहे हैं लेकिन नियमित अंतराल से नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि बढ़ तो रहे हैं यानी कि पहला नंबर का अगला नंबर बड़ा है लेकिन अगले नंबर का फिर छोटा हुआ है, फिर अगला नंबर बड़ा हुआ है, फिर छोटा हुआ है, फिर अगर अल्टरनेटिवली आप देख सकते हैं कि नंबर बड़ा हुआ है फिर नंबर छोटा है, यानी 8 फिर 11 बढ़ा, 11 फिर 9 कम हुआ, यानी कि जाहिर सी बात है नंबर एक बार बढ़ रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर एक बार नंबर प्लस हो रहा हो और एक बार नंबर माइनस हो रहा हो। तो आइए देखते हैं कुछ पैटर्न मिल सकता है क्या। 7 के बाद 10 आया यानी कि +3 हुआ है, 10 के बाद 8 आया यानी कि -2 हुआ है, 8 के बाद 11 आया यानी कि +3 जुड़ गया है, 11 के बाद 9 आया यानी -2 हुआ है, 9 के बाद +3 हो गया है। हमारी पास हमारी सीरीज हमें मिल चुकी है, यानी कि एक बार 3 ऐड हो रहा है और अगली बार -2 हो रहा है, एक बार 3 ऐड हुआ अगली बार -2 हुआ, फिर 9 +3 हुआ तो 12 बना और 12 -2 जब होगा तो आएगा 10। बिल्कुल सही, आपका आंसर है बी। तो बी आपका आंसर है, यानी कि दिस इज अ सिंपल अल्टरनेटिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। आपके पास सिंपल से अल्टरनेटिंग यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अल्टरनेटिवली हो रहे हैं, एक बार आपका एडिशन हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। किस नंबर के साथ हो रहा है? एडिशन हो रहा है आपका 3 के साथ और सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो आपका 2 के साथ हो रहा है। आंसर है हमारा 10। तो इसी ऐसे ही पैटर्न हमें ढूंढने हैं और आंसर हमारा बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36, 34, 30, 28, 24। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो नंबर कम हो रहे हैं और नंबर अगर कम हो रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है। बिल्कुल सही बात, हमें देखना है कि पैटर्न में या सीरीज में कहीं माइनस तो नहीं हो रहा है। 36 से 34 यानी -2, 34 से 30 यानी -4, 30 से 28 यानी -2,
28 से 24 यानी माइनस फोर। हमारा पैटर्न हमारे सामने है, एक बार माइनस टू हो रहा है, अगली बार माइनस फोर हो रहा है। 30 से फिर माइनस टू हुआ तो 28 बना, 28 माइनस फोर हुआ तो 24 बना, और 24 में से अगला टर्म क्या होगा यानी माइनस टू यानी 22। बिल्कुल सही, बी आपका सही आंसर है। दिस इज एन अल्टरनेटिंग नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज, फर्स्ट टू इज सब्ट्रैक्टेड देन फोर, यानी कि अल्टरनेटिंग नंबर सब्ट्रैक्शन सीरीज है, प्लस और माइनस नहीं है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन है और अल्टरनेटिव सब्ट्रैक्शन है, यानी कि पहले की दो बार पहले टू से सब्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर फोर से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आंसर आपको हुआ 22 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगली सीरीज आपके सामने है फ्रेंड्स, 22, 21, 23, 22, 24, 23, यानी कि इस सीरीज में भी नंबर जो है कम और ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कम और ज़्यादा हो रहा है यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज ये भी बन सकती है और प्लस और माइनस के साथ होगी, क्योंकि नंबर्स जो हैं प्लस और माइनस ही हो रहे हैं। तो 22 माइनस 1 यानी 21, 21 प्लस 2 यानी 23, 23 माइनस 1 यानी 22, 22 प्लस 2 यानी 24। बिल्कुल हमारी सीरीज हमारे सामने है, पहली बार आपका माइनस 1 हो रहा है, फिर आपका 2 ऐड हो रहा है, यानी कि 22 में से 1 माइनस हुआ तो 21, 21 में से 2 ऐड हुआ तो 23, 23 में से 1 माइनस हुआ 22, 22 में से 2 ऐड हुआ 24, 24 में से 1 माइनस हुआ यानी 23, और 23 में है अब इस बार माइनस ना होकर प्लस 2 होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इन दिस सिंपल अल्टरनेटिंग सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीरीज 1 इज सब्ट्रैक्टेड एंड 2 इज एडेड, यानी कि पहली बार 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और अगली बार प्लस 2 हो रहा है, यानी कि 22 माइनस 1 हुआ तो 21 आया, और 21 प्लस 2 हुआ तो 23 आया, 23 माइनस 1 हुआ तो 22 आया, 22 प्लस 2 हुआ तो 24 आया, 24 माइनस 1 23 आया, 23 प्लस 2 हुआ तो 25 आया, सी हमारा ऑप्शन हो गया, यानी कि पहली बार माइनस हो रहा है 1 से और अगली बार एडिशन हो रहा है 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 53, 40 40, 27 27, नंबर्स अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स तो दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि पहले 53 रिपीट हुआ, फिर 40 रिपीट हुआ, ये फिर 27 रिपीट हुआ, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म होगा वो रिपीट ही होंगे, लेकिन हमें बस एक टर्म बताना है। तो हमें बस ये देखना है कि नंबर तो रिपीट हो रहे हैं पर किस पैटर्न के साथ हो रहा है, यानी कि अब हम देख सकते हैं इसमें नंबर जो है कम हो रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि 53 और 40 में हम डिफरेंस देखेंगे, तो 53 और 40 में डिफरेंस है 13 का, 40 और 27 में भी डिफरेंस जो है वो है 13 का, तो यानी कि हमें बिल्कुल आंसर हमारा मिल चुका है, जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें भी डिफरेंस होगा 13 का, यानी 24 माइनस 13 आंसर है आपका 14, यानी कि बी आपका आंसर है कि इन दिस सीरीज ईच नंबर इज रिपीटेड, नंबर आपका रिपीट हो रहा है, देन 13 इज सब्ट्रैक्टेड टू अराइव द नेक्स्ट नंबर, यानी कि नेक्स्ट नंबर पे हम कब आ रहे हैं, 13 को सब्ट्रैक्ट करते हुए, यानी कि 53 माइनस 13 40, 40 माइनस 13 27 और 27 माइनस 13 14, यानी कि बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट दिस सीरीज, 21 9, 21 11, 21 13, 21 नेक्स्ट नंबर। तो अगर आप फ्रेंड्स इस सीरीज को ध्यान से देखें तो 21 आपका हर अगले अल्टरनेट पोजीशन पर आ रहा है, यानी कि पहली बार आया, दूसरी बार कोई और नंबर आया, फिर 21 आया, फिर नंबर कोई और, फिर 21, फिर नंबर कोई और, फिर 21, यानी कि नेक्स्ट नंबर कोई और होगा, 21 आपका नहीं होगा, जाहिर सी बात है सी ऑप्शन आपका गलत है। तो अब बीच का जो नंबर आ रहा है 21 और 21, दो टर्म्स 21 के बीच का जो नंबर आ रहा है उनमें हम पैटर्न देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, यानी हमारे पास नंबर है 9 11 और 13, यानी कि नंबर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एडिशन हुआ होगा, 9 प्लस 2 11 और 11 प्लस 2 13, बिल्कुल सही, और 13 प्लस 2 यानी कि 15, 15 आपका आंसर है, बी आपका आंसर सही है, यानी कि 15 इसका आंसर है। तो इन दिस अल्टरनेटिंग रिपीटेशन सीरीज द रैंडम नंबर 21 इज इंटरपोलेटेड एवरी अदर नंबर इनटू एन अदरवाइज सिंपल एडिशन सीरीज दैट इंक्रीजेस बाय 2 बिगनिंग विद नंबर 9, यानी कि नंबर 9 से शुरू होने वाली सीरीज में 21 को अल्टरनेटिव पोजिशन पर इंटरपोलेट किया गया है और जो आगे के नंबर बढ़ रहे हैं वो प्लस 2 होते हुए आ रहे हैं। इसी तरीके से आपका आंसर हो गया बी, यानी कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58, 52, 46, 40 और 34। तो फ्रेंड्स अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लगा के देखना है, बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्शन। तो 58 और 52 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो आंसर 52 आया तो वो है 6, यानी कि 52 और
46 में कितना सब्ट्रैक्ट हुआ, जो 46 आया 6, 46 में से 6 गया 40, 40 में से 6 गया 34 और 34 में से 6 गया 28। बिल्कुल सही, 28 हमारा आंसर है बी। सिंपल सब्ट्रैक्शन सीरीज थी, बस प्रीवियस नंबर के में से जो है 6 आपका सब्ट्रैक्ट कर लिया गया था, यानी कि 58 माइनस 6 52, 52 माइनस 6 46, 46 माइनस 6 40, 40 माइनस 6 34 और 34 माइनस 6 बी, यानी कि 28 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3, 4, 7, 8, 11, 12। फ्रेंड्स सीरीज बढ़ रही है और आप क्या लगा के देखेंगे, बिल्कुल सही आप लगा के देखेंगे एडिशन। तो 7 + 1 यानी कि 4, 4 + 3 यानी कि 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12 और 12 + 3 बिल्कुल सही, यानी कि पहली बार आपका 1 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आपका 3 ऐड हो रहा है, फिर 7 में 1 ऐड हुआ तो 11, 11 में 3 ऐड हुआ तो सॉरी 8 में 3 ऐड हुआ तो 11, 11 में 1 ऐड हुआ तो 12 और 12 में 3 ऐड होगा तो आंसर आएगा 15, यानी कि डी आपका आंसर है। तो अल्टरनेटिंग एडिशन सीरीज थी, पहले की पहले शुरुआत सीरीज की 3 से हो रही है, पहले ऐड किया गया 1 और फिर आपका ऐड हो रहा है 3, यानी कि पहले ऐड हुआ 3 में 1 यानी 4 और फिर जो ऐड हो रहा है 3 वो यानी 4 में 3 ऐड हुआ तो 7। ऐसे ही आपके अल्टरनेटिंग एडिशन सीरीज है, फर्स्ट ऐड हो रहा है 1 और नेक्स्ट ऐड हो रहा है 3, तो आपका आंसर है डी यानी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज को देखिए, 8, 22, 8, 28, 8, यानी कि इस बार जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 21 बीच में इंटरपोलेट हुआ था, इस बार इंटरपोलेट हो रहा है 8, तो अब बीच के नंबर हमें पता करने हैं, यानी कि बीच का नंबर है 22, 28, ऐसे ही आने वाला बीच का नंबर। तो हमारे पास दो नंबर हैं 22 और 28, यानी कि नंबर बढ़ा, यानी हम लगाते हैं एडिशन, तो 22 + 6 हुआ 28 और 28 + 6 जो होगा वो होगा आंसर हमारा 34, यानी डी हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डी हमारा आंसर है। देयर इज सिंपल एडिशन सीरीज है विद रैंडम नंबर 8 इंटरपोलेटेड एज एवरी अदर नंबर, यानी हर अगला नंबर जो है वो 8 इंटरपोलेट हुआ है बीच में, और जो बीच के नंबर्स हैं उनमें एक एडिशन सीरीज बनी हुई है, कितने से, प्लस 6 से, यानी कि 22 + 6 28 और 28 + 6 34 हमारा आंसर है, डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31, 29, 24, 22, 17, what number should we? तो फ्रेंड्स आप देखिए नंबर जो है कम हो रहे हैं, कितना कम हो रहे हैं तो हम लगा के देखते हैं सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्शन, यानी 31 - 2 29, 29 - 5 24, 24 - 2 22, 22 - 5 17, यानी कि पहली बार 2 से माइनस हो रहा है, अगली बार 5 से माइनस हो रहा है, 2 से माइनस हुआ फिर 5 से माइनस हुआ और अब जो है वो फिर से 2 से माइनस होगा, यानी आंसर है 15, ए हमारा ऑप्शन है। सिंपल अल्टरनेटिव सब्ट्रैक्शन सीरीज है, पहले 2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है फिर 5 से, यानी कि 31 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 29, 29 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 24, 20 में से 25, 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 22, 22 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 17, 17 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 2, तो आंसर आया 15। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन थे, ऐसे ही आपकी ये नंबर सीरीज आपकी दी होगी और आपको लगा के देखने हैं कि पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स हमारे क्या बन रहे हैं। नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो हम लगा के देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और नंबर हमारे अगर कम हो रहे हैं तो हम लगा के देखेंगे सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न। तो ये हमारी पहली वीडियो थी नंबर सीरीज पे और पार्ट वन है ये, और दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ नंबर सीरीज का, क्योंकि नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद।